केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दतिया माँ पीताम्बरा बागलामुखी की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात शंकर भगवान बलखंडेश्वर का जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की, मंदिर परिसर में पत्रकारों से चर्चा की। तत्पश्चात केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भांडेर के तहसील पहुंचे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपनी ससुराल में इंद्रपाल सिंह सेंगर के पिता सोबरन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फोटो पर पुष्प चढ़ाकर शोक व्यक्त किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री के साथ दतिया जिले के आला अधिकारी एवं भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथ रहे। आया था एक शोक के अवसर पर शामिल होने के लिए। दतिया में माँ के दर्शन किए और माँ से प्रार्थना की कि सभी लोग स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें और कोविड संकट के दौरान हमारे देश में नागरिकों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो और सबको मैया सद्बुद्धि दे जिससे कि सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। तीसरी लहर की ऐसी आशंकाएं बताई जा रही हैं तो इसकी लहर तीसरी हो या चौथी, वायरस तो अभी है जी। किसी भी लहर का सामना सावधानी से किया जा सकता है, इसलिए जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका हम पालन करेंगे तो तीसरी लहर से किसी प्रकार का खतरा नहीं। तो तैयारियां हैं क्या केंद्र व प्रदेश सरकार की पूरी? स्वाभाविक रूप से केंद्र और राज्य सरकार को जो तैयारी करना है वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम बीमारी को आमंत्रित ही करें। तीसरी लहर हमारे देश में ना आए ये प्रत्येक नागरिक की जवाबदारी है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके उसको इस जवाबदारी को निभाना चाहिए।